अस्सलाम वालेकुम, मैं स्पीयर मॉडल स्कूल में क्लास 2 की उर्दू की टीचर हूँ। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12। तमाम बच्चे अपनी उर्दू की किताबें निकाली, सफ़ा नंबर 13। नन्हे हजूर, इस सबक में हमें बताया गया था कि अरब मक्का अरब का मशहूर शहर है और मक्के में खाना काबा है जो कि अल्लाह ताला का घर है। लोग जो है हज करने के लिए अल्लाह ताला के घर जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ख़ानदान से थे जो हाजियों की खिदमत करते और उन्हें पानी पिलाते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला था और वो अपने घराने में सबसे खूबसूरत नौजवान थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम हज़रत आमना था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी पैदाइश नहीं हुई थी तो उनके वालिद वफात पा गए थे और फिर उनकी अम्मी ने उनको पाला। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही यतीम थे। इसके बाद जब आप 6 बरस के थे तो आपकी वालदा भी वफात पा गईं और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के हुए तो उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी वफात पा गए। वो वफात पाने से पहले हज़रत अबू तालिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू तालिब के सपोर्ट कर गए जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत साबिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई झगड़े में हरगिज़ हिस्सा ना लेते। हज़रत अबू तालिब की जोजा फातमा बिनत असद हजूर का ख़ास ख्याल रखूँ। हज़रत फातमा बिनत असद हजूर की चची आप सल्लम को अपने सामने खाना खिलाती, आप सल्लम को साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती। जब फातमा बिनत असद फौत हुई तो हजूर को बहुत दुख हुआ। बचपन ही से हजूर की आदतें बहुत अच्छी थी। आप सल्लम हमेशा सच बोलते, झूठ से नफरत करते, नेक कामों में हिस्सा लेते, दूसरों की मदद फरमाते। उस वक्त मक्के के लोग बुतों की इबादत करते, शराब पीते और जुआ खेलते थे। हुजूर सल्लम इन सारे कामों से दूर रही। आप सल्लम की पाकीज़ा आदतों की वजह से बड़ी उम्र के लोग भी आप सल्लम की इज्जत करते थे। सबक नंबर 5 हमारा ख़त्म हो गया है। अब आप तमाम बच्चों ने सफ़ा नंबर 14 पर लिखा हुआ है, खाका बनाएं और रंग भरें। आप लोगों ने खाना काबा का खाका बनाना है और इसमें कलर्स करने हैं।